कॉन्शियसली बैठे, बैठेंगे इस तरह जैसे एक योगी बैठा है, पूर्ण चेतना के साथ। तो जब हम बैठते हैं, आंख बंद कर लीजिए ताकि आपका जो ध्यान है आपके शरीर के अंदर आ जाए। अपना बैक जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखें, जो शोल्डर्स है उसे रिलैक्स रखें, हाथ को एक जगह बिल्कुल रिलैक्स्ड रखें, जो हिप्स की जो दो हड्डियां हैं जिस पे हम बैठे हैं ध्यान वहां ले जाइए, जहां पर आप बैठे हैं फर्श का जो सरफेस है वहां पे ध्यान ले जाइए। जो हमारा स्पाइन का जो बॉटम है वहां पे, जो हमारा मूल धारा चक्र है, आप सबको मालूम होगा मूल धारा चक्र, ध्यान वहां पे ले जाइए। और वहां पे जो हम सांस ले रहे हैं उस सांस को वहां पर महसूस कीजिए, जैसे कि हम वहीं से सांस धीरे धीरे शरीर के अंदर ले रहे हैं। और वहीं से सांस छोड़ रहे हैं। हम सब धरती पर हैं और धरती केवल एक धरती नहीं है, उसमें भी एक दिव्यता है जिसे हम धरती माँ कहते हैं। धरती माँ को नमन करते हुए हम मूल धारा चक्र से धरती माँ से एक बहुत गहरा रिश्ता बनाते हैं। और आप ऐसे सोचिए जैसे पेड़ अपनी ऊर्जा धरती से लेता है, उसी तरह हम अपने मूल धारा से धरती के अंदर किरणों के जरिए ऊर्जा ले रहे हैं। और ये ऊर्जा जैसे मूलधारा के जरिए शरीर में आ रही है और वो पूरे आपके जो पेल्विस एरिया है वहां पे फैल रही है और उसे बिल्कुल अंदर से साफ कर रही है।
तो जो पेल्विस एरिया है हमारा बिल्कुल उसमें धरती माँ की शक्ति आ रही है। और हमारे शरीर में जो भी संकट है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी विघटन है, उन सबको आप धरती माँ को समर्पण कर दो। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, सांस छोड़ते साथ सारे अपने दर्द, दुख, चिंताएं सब धरती माँ को समर्पित कर दो। धरती माँ सुप्रीम मदर का एक अंश है, एक पार्ट है, जो हमसे बहुत करीब है, बहुत मटेरियल है। अब धीरे से अपना ध्यान अपने नाभि की ओर ले जाइए। नाभि से कुछ इंच दूर अंदर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, मणिपुर चक्र। जो हमारे सारे अबडोमिनल, पेट के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उनके साथ जुड़ा है, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स सब उससे जुड़े हैं। जो प्राणिक शक्ति है हमारे अंदर वो उससे जुड़ा है। तो अपना ध्यान अपने नाभि के भीतर मणिपुर चक्र की ओर ले जाइए और ऐसे महसूस कीजिए कि आप वहां से सांस ले रहे हैं। और हम पूरे वातावरण से जो एक हमारे इर्द गिर्द हमें पूरी प्राणिक शक्ति के अंदर है, इसे हम यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी कहते हैं, जो असीमित है। तो हम
उस असीमित ऊर्जा से अपने मणिपुर के जरिए जुड़ेंगे और वहां से ऊर्जा लाएंगे। आप उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपके शरीर के अंदर आ रही है। और उस ऊर्जा को पेट के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे उस ऊर्जा को जाने दीजिए। ताकि ऊर्जा पेट के सारे भागों को साफ करेगी और उनमें एक नई चेतना लाएगी। और हमारे अंदर जो भी इमोशंस, जो भी इमोशनल प्रॉब्लम है, वो आप सुप्रीम मदर को समर्पण कर सकते हैं। जो भी चिंता है, घृणा है, क्रोध है, मोह है, जो भी चीज आप अपने जिंदगी के अंदर नहीं चाहते, वो आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अब धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय की तरफ ले आइए।
प्राणिक शक्ति को हृदय चक्र से अपने शरीर में लाइए। जैसे हम अपने हृदय से डायरेक्टली प्राणिक शक्ति शरीर के अंदर ला रहे हैं। धीरे धीरे सांस के साथ अपने हृदय के अंदर आप जाने की कोशिश कीजिए। और ऐसे सोचिए कि हम एक दरवाजा खोल के अंदर जा एक अपनी अंदर की दुनिया में। मैं पूरी चेतना
अपने अंदर, हृदय के अंदर। माँ का नाम लेकर हृदय की बहुत गहराई के अंदर जाने की कोशिश कीजिए। और वहाँ पर माँ की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। और अपने पूरी जिंदगी को आपके पास जो भी है वो माँ को दे दीजिए। जो भी है वो आपका है माँ। ये शरीर, ये दिमाग, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, हर एक कर्म माँ को समर्पित करते हैं। और ये जो हमारा शरीर है,
ये भी माँ का है। ये जो हमारा हृदय है, ये हमारा मन है, ये भी माँ का है। तो यदि ये शरीर, ये मन, ये हृदय माँ का है, तो हमारी एक यह कर्तव्य है कि इस इंस्ट्रूमेंट को हम उस तरह बनाए कि माँ के काबिल हो। अपने हृदय को बिल्कुल साफ रखें, तभी तो माँ वहां पर आके विराज सकती है। अपने मन को बिल्कुल शांत रखें, तभी तो वहां पर माँ का प्रेजेंस, माँ की लाइट आ सकती है। तो ऐसी कोई भी भावना ना रखे जो माँ के लायक ना हो। ऐसा कोई भी विचार ना रखे जो माँ से ना जुड़ा हो। मन में विचार केवल भगवान के, माँ के काम के। और सारे और विचार जो हम केवल अपने लिए सोचते हैं, अपनी ही चिंता करते हैं, वो सब हटा दीजिए। अपने हृदय में केवल प्रेम रखिए, माँ के प्रति प्रेम। और सृष्टि में जो भी है, सबके प्रति प्रेम। क्योंकि सारी सृष्टि तो भगवान की है। हमारा जो अंदरूनी हृदय है, वो तो पूरे सृष्टि से जितना बड़ा है, उसमें तो सभी समा सकते हैं।
हमें अपने जो हमारा बाहरली ईगो सेल्फ है उसे हटकर, उसे समर्पित कर तभी हम अपनी गहराई में जा सकते हैं, अपनी गहराई में जी सकते हैं और एक गहरी चेतना में रह सकते हैं। अगर हम हमेशा बाहरली चिंताओं में रहेंगे, बाहर के धंधों में फंसे रहेंगे, फिर तो हमें हमारे अंदर क्या है, क्या गहराई है, उसका तो हमें कुछ भी आभास नहीं रहेगा। हमें जो हमारा बाहरी रूप है, जो एक बहुत सुपरफिशियल रूप है, उसे समर्पित करके, उससे हटकर अपनी गहराई में जाना होगा, वहाँ रहना होगा और वो ही हमारी सच्चाई है। श्री अरविंद कहते हैं, लिव विद इन, अंदर की जिंदगी में जियो, उसे पहचानो, उसे में भी एक सच्चाई है, उतनी ही सच्चाई जितनी आपकी बाहर की जो सुपरफिशियल लाइफ है उसमें है। हमेशा अपने बारे में सोचना, अपनी ही चिंताओं में फंसे रहना, वो तो कोई जिंदगी नहीं हुई ना। तो जब तक हम अपने केवल बाहरली लाइफ में रहेंगे, उन चिंताओं में फंसे रहेंगे, तो हमें कुछ भी गहरी अनुभूति नहीं होगी। फिर चाहे हम 30 साल एक किताब पढ़ते रहे, तो उससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारी चेतना तो बदली नहीं, हम तो वैसे के वैसे रहे। तबे ध्यान अपने अंदर क्या है उसका ध्यान करना है और हर समय जो दिव्य माँ है उनकी जो चेतना है उनकी जो उपस्थिति है उसके साथ रहना है। श्री अरविंद जी कहते हैं कि ऑलवेज बिहेव एज इफ द डिवाइन मदर इज वॉचिंग यू, फॉर शी इज इंडीड वॉचिंग यू। तो हमें उस तरह जीना है कि भगवान दिव्य माँ हमारे अंदर है, हमारे साथ है हर समय और हमें अपने आप को उस लायक बनाना है।
और हर एक इंसान के अंदर वो क्षमता है। वो काबिलियत है। अपना ध्यान अपने हृदय के गहराई में ले जाइए। और वहां पे श्री माँ की इमेज, श्री माँ का चित्र, श्री माँ की उपस्थिति को महसूस कीजिए और देखिए। और उस गहराई से महा मंत्र का उच्चारण कीजिए। ताकि वह चेतना, माँ की चेतना, शरीर और तो हमारी जो पूरी अंदर की शरीर है, हर शरीर में वो माँ की ध्वनि, माँ की वाइब्रेशन चाहे, माँ का प्रेजेंस चाहे। हम साथ एक साथ माँ का उच्चारण करेंगे। और हृदय के अंदर माँ को देखेंगे। माँ पूरे शरीर में जो माँ का वाइब्रेशन है,
उसे जाने दीजिए। और जो हम नाम जप करते हैं, उस नाम जप को हृदय से आने दीजिए। आपका पूरा शरीर उससे वाइब्रेट होने दीजिए। अगर हम ये नाम जप पूरी चेतना के साथ करेंगे, पूरे हृदय के साथ करेंगे, शरीर का हर एक भाग के साथ करेंगे, तो शरीर के हर एक भाग में वह माँ की चेतना, वह चिंतन, वह चैतन्य आ जाएगा। और उससे ज़्यादा मेडिसिन, उससे ज्यादा पावरफुल मेडिसिन और कुछ नहीं है। सबसे ऊंची जो मेडिसिन है, जो दवा है, वो केवल भगवान का नाम है शरीर में। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें शरीर को बहुत साफ रखें, अपने मन को बिल्कुल साफ, हृदय को बिल्कुल साफ। उसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो माँ को पसंद ना आए, भगवान को पसंद ना आए। जब हम खाना खाते हैं तो खाने को जैसे भगवान को हम ग्रहण करते देते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, उस तरह खाना खाएं। थोड़ा सा प्यार से, उतनी ही श्रद्धा के साथ। तो माँ का उच्चारण करेंगे और फिर हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। लेकिन सेशन के समाप्त होने से हमारा जिंदगी समाप्त नहीं होता, हमारा योगा है, ऑल लाइफ इज योगा। तो जो ये जिस चेतना में हम जीते हैं, वो हर एक क्षण हमें उसी चेतना में जीना है। मेडिटेशन के बाद ये नहीं आप बाहर फिर से उसी सोच में चले जाएं, उसी तरह की बातें करें, वो सब चेंज करना है, बदलना है। सेशन खत्म होने के बाद भी हमें भगवान के साथ ही रहना है, माँ के साथ ही रहना है। जब खाना खाएंगे तो भी माँ के साथ ही खाना है, तभी हमारी जिंदगी में
ट्रांसफॉर्मेशन, वह बदलाव आएगा। मा